जिसका डर था वही हुआ। आखिरकार भारत पाकिस्तान के दूसरे मैच से पहले आई बेहद ही बुरी खबर। तो क्या है खबर की पूरी जानकारी, क्या बुरी खबर निकल कर आ गई है भारत पाकिस्तान मुकाबले से पहले, बताएंगे इस वीडियो में। अगर आप भी हैं टीम इंडिया के फैन तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारतीय टीम इस समय पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले अपने दूसरे मुकाबले की पूरी तैयारी में जुट गई है। दरअसल दोस्तों, भारत पाकिस्तान के बीच जो पहला मुकाबला हुआ था वो पूरी तरीके से बारिश की वजह से रद्द हो गया था। लेकिन दोस्तों, सबकी निगाहें टिकी हुई हैं 10 सितंबर के दिन। 10 सितंबर के दिन यहां पर दोस्तों सुपर फोर का थर्ड मुकाबला कोलंबो में खेला जाएगा और यह मुकाबला होगा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच। यहां पर दोस्तों दोनों टीमें आमने सामने होंगी और यहां पर हर हालत में टीम इंडिया जीत दर्ज करना चाहेगी। लेकिन दोस्तों, कोलंबो में सब कुछ ठीक नहीं नजर आ रहा है। कोलंबो जो कि यहां पर दोस्तों राजधानी है श्रीलंका टीम की, यहां पर उसमें मुकाबला जो खेला जाएगा वो इंडिया पाक का मुकाबला होगा। लेकिन दोस्तों, अगर हम कोलंबो की वेदर की तरफ बढ़े तो वेदर चीजें सही नहीं बयान कर रहा है। दरअसल दोस्तों, अगर वेदर रिपोर्ट की बात करें तो हाल ही में आई अपडेट के अगर ऊपर देखा जाए तो कोलंबो में 10 तारीख के दिन मैच के टाइम पर लगभग 80-90% बारिश है। जी हां दोस्तों, अगर यहां पर कोलंबो का वेदर रिपोर्ट यहां पर दोस्तों प्रेडिक्ट कर रहा है बारिश है, तो निश्चित तौर पर बारिश होगी। और लगातार हम जो न्यूज में देख रहे हैं, लगातार रिपोर्टिंग सामने आ रही है, उसमें क्लियर मेंशन नजर आ रहा है कि जहां पर मुकाबला हो रहा है वहां पर बारिश 3 दिन से लगातार हो रही है और मैच के दिन भी बारिश के आसार जताए जा रहे हैं, वो भी 90% बारिश। आपको क्या लगता है, बारिश की वजह से मैच रद्द हुआ तो कौन सी टीम यहां पर दोस्तों जीतना चाहिए, आप हमें अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।